अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हरमैन रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबका खुशामदीद। आज इस घर के टूर में लेकर आया हूँ ये जनाब 10 मरले का ब्रांड न्यू घर है जिसमें आपको फुल बेसमेंट मिलता है और ये DHFS 5 की टॉप लोकेशन के ऊपर अवेलेबल है। घर की एलिवेशन की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन मॉडर्न आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ ये 10 मरले का डिज़ाइन है और इसको पूरे एलिवेशन को टाइल्स से कवर्ड किया हुआ है और घर का एलिवेशन बहुत ही रिच फीलिंग देती है आपको। जैसे आप देख रहे हैं एंट्रेंस पर जो हमारी डबल हाइट लॉबी है उसको सारा का सारा मर्करी ग्लास लगा हुआ है जो कि रिफ्लेक्शन दे रहा है अंदर का व्यू और बाहर का भी दोनों दे रहे हैं आपको। ओवरऑल लोन की बात करें तो आप इजीली यहाँ पर बड़ी गाड़ी आगे इस तरह स्ट्रेट खड़ी कर सकते हैं, तो अंदर की 3 पार्किंग के अलावा आप बाहर भी 2 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं जिस पर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। डिमांड की बात करें तो 8 करोड़ 25 लाख इस घर की डिमांड है। फुल बेसमेंट है, 1 बेडरूम बेसमेंट में, 3 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और 1 बेडरूम इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। ओवरऑल इस घर की कवर्ड एरिया की बात करें तो 3800 स्क्वायर फीट इस घर का कवर्ड एरिया है और पूरे घर को टोटल टाइल्स से कवर किया हुआ है। फ्लोरिंग भी टाइल्स हैं, वॉशरूम की टाइल्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं और वर्कमैनशिप भी बहुत अच्छी है। इस घर की जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इस घर में आपको यहाँ पर भी एक पार्किंग मिलती है, आप यहाँ पर पूरा एक क्रूजर साइज गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और ये डोर आपका स्लाइड है, आप स्लाइड करके पीछे से लेके जा सकते हैं तो आप इजीली यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। 2 गाड़ियाँ भी यहाँ पर सिविक साइज गाड़ी खड़ी हो सकती हैं और 10 मरला कैटेगरी में राइट नाउ ये एक ही ऑप्शन है जहाँ पर आपको 3 गाड़ी की पार्किंग मिलती है। अगर बात करें कैमराज की तो CCTV कैमराज लगे हुए हैं इसके अंदर। ओवरऑल नीचे लॉबी के ऊपर सारी फ्रंट भी टाइल लगाई हुई है और यहाँ पर भी टाइल लगाई हुई है और संकल एरिया दिया हुआ, बैक साइड में सड़क क्वार्टर है इसका। मजीद टाइम आपका वेस्ट नहीं करता, आपको अंदर लेके चलता हूँ कि अंदर क्या बना हुआ है। व्यूवर्स ये अनफर्निश्ड घर है, इसमें फर्नीचर नहीं लगा हुआ। उसके बाद अंदर चलते हैं तो व्यूवर्स यहाँ पर जैसे आप एंटर होते हैं 10 मरले में आपको डबल हाइट लॉबी बहुत ही अच्छा एम्बियंस दे रहा है। यहाँ से आपको बाहर का पूरा वेदर नज़र आ रहा होता है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइट अंदर आ रही होती है घर के। यहाँ से स्टेयर नीचे जाती है बेसमेंट में और यहीं से ऊपर जा रही है। इनफैक्ट आप इस लॉबी को लॉक करें तो आपके सारे पोर्शन इंडिपेंडेंटली लॉक हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर राइट हैंड पे हमारा ये पॉडरूम आ गया। पॉडरूम में हमारे पास हैंगिंग कमोड आ गया, साथ वैनिटी आ गई है, फुल हाइट तक टाइल्स आ गई हैं, 8 फुट के सॉलिड दरवाजे हैं इसमें जो कि एश वुड के दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ से एंटर होते साथ ही सामने देखते हैं तो व्यूवर्स ये जो एरिया जिसमें मैं एंटर हो रहा हूँ ये हमारे पास आ गया इसका ड्राइंग रूम का और डाइनिंग रूम का। इसको आप आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको पूरे को ड्राइंग रूम बना सकते हैं, इस एरिया को ड्राइंग रूम और यहाँ पर एक अच्छा सा डाइनिंग टेबल रख के इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डिपेंड्स आपके ऊपर करता है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। व्यूवर्स आपको मैं यहाँ लॉबी से लेके चलता हूँ। जहाँ से हम एंटर होते हैं इस डोर को आप फ्रॉस्टेड करके आप प्राइवेसी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम एंटर होते हैं तो हमारे पास ये लाउंज का एरिया आता है, आप इजीली इसमें एक प्रॉपर सोफा सेट रख सकते हैं, 3 सीटर बड़ा लंबा इधर रखें, 2 सीटर यहाँ रखें, सिंगल वहाँ रख लें, या 2 चेयर भी रख सकते हैं प्रॉपर। यहाँ पर एक टाइल के साथ बुक मैच टाइल के साथ इन्होंने ये एक इसकी फीचर वॉल बनाई है जिसको मीडिया वॉल हम कह रहे हैं और यहाँ पर नीचे वुड का कंसोल बनाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं LCD पड़ी हुई है, वायरिंग सारी यहाँ पर हो चुकी हुई है, आपके सारे कैमरों के रिजल्ट यहाँ पर आ सकते हैं। ये दरवाज़ा आपकी डाइनिंग को यूज़ होता है, 2 विंडोज़ दी हुई हैं, ऊपर हमारे पास लाहौर फैन आए थे हैं और सीलिंग के अंदर हमारे ज़बरदस्त किस्म की ये चेक करें ये काम हुआ है। और ये देखें यहाँ पर हमारे पास सारा वॉलपेपर लगा हुआ है, डिसेंट एंड प्लेन घर बना हुआ है। प्लस इस घर के किचन जो है ना वो सबसे मेन इसका फीचर है कि 10 मरले घर में इतना बड़ा किचन बहुत ही कम घरों में मिलता है। आप देख सकते हैं L-शेप में आपके पास किचन आ गया, यहाँ पर आपके पास सिंक आ गया और यहाँ पर आपके पास ये इसका बर्नर आ गया। हाँ ये हो सकता है अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा है तो आप इसकी ऊपर एक्सटेंशन कर सकते हैं, कैबिनेटरी बढ़ा सकते हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए यहाँ पर आपको माइक्रो ओवन, बेकिंग ओवन और साथ में यहाँ पर डबल डोर फ्रिज की जगह ये भी दी हुई है, आप इसको और ऊपर और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये दरवाज़ा जो है ना बाहर आने जाने का मुलाजमों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कोरियन नहीं है, ग्रेनाइट है, उसके अंदर वाइट पट्टी दी हुई है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। लेफ्ट हैंड पे हमारे ये इस घर का है ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम। ये है इस घर का मास्टर बेडरूम, यहाँ पर बाहर बैक साइड पे आपको ग्रीनरी मिलती है, थोड़ी सी गली मिलती है आपको फ्रेश वेंटिलेशन के लिए। उसके बाद ये आपके पास बैक वॉल है, यहाँ बेड आ जाएगा, साइडों पे नाइट स्टैंड आ जाएंगे, यहाँ पर ग्लास दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा और डिसेंट वर्क किया हुआ है। 10 मरले कैटेगरी में ये एक अच्छी ऑप्शन है। इसकी डिमांड की बात करें तो आपको बता चुका हूँ कि 8 करोड़ 25 लाख इसकी डिमांड है। यहाँ पर व्यूवर्स प्लॉट ही तकरीबन 4-35 4-35 का 10 मरले का प्लॉट है। ये 10 मरला कैटेगरी में DHA की सबसे टॉप लोकेशन है। वैनिटी सारी जितनी भी है कोरियन की बनी हुई है, यहाँ पर फैसल की फिटिंग्स लगी हुई है, मिरर में लुकिंग मिरर अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, जकूजी दी है, शावर कैबिन दी है और टाइल फुल हाइट तक दिए हैं। ओरिएंट की सारी टाइल है, पाकिस्तानी कोई स्पेनिश में नहीं है। बाकी पोर्टा के हैंगिंग कमोड्स हैं सारे। उसके बाद ये वार्डरोब आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म के सॉलिड और ग्लास में वार्डरोब दिए हुए हैं, दरवाजे सारे सॉलिड दिए हुए हैं।
व्यूवर्स, घर की अगर वर्कमैनशिप की बात करें तो काफ़ी बेहतर बनाया हुआ है। दस मरे वाले लोग ज़्यादातर इतने अवेयर नहीं होते, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। व्यूवर्स, जैसे ऊपर आप आते हैं आपको ना यहाँ पर एक लॉबी बड़ी अच्छी मिलती है। ये जो डबल हाइट है, शेल्डर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, नॉर्मली कनाल घरों में लगती है। ऊपर आपको टोटल तीन बेडरूम, एक टेरेस, एक किचन मिलता है। हमारे राइट हैंड पे हमारा फर्स्ट बेडरूम है। इस बेडरूम का साइज़ छोटा है, लेकिन ये कि क्वाइट बेटर है, क्योंकि साथ टेरेस भी है। उसके बाद वीडियो वॉल, बैक वॉल सारी बनाई हुई उन्होंने, एसी के पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसका वॉशरूम आया था। वॉशरूम के अंदर यहाँ पर वार्डरोब है, ये स्लाइडिंग दी हुई है। ओके, उसके बाद ये हमारे पास वैनिटी आ गई है। वैनिटी है खूबसूरत किस्म की है, पानी चल रहा है पूरे घर में। और बैक साइड के ऊपर हमारे पास शावर कैबिन आ गया, और ये शावर कैबिन लगा हुआ है। रेन शावर नहीं है, वॉल शावर है, लेकिन ओवरऑल जिस कैटेगरी में घर है उसको एक कैटेगरी में बेहतरीन है। उसके बाद जैसे व्यूज हम आगे आते हैं, तो ये जो एरिया यहाँ से आपको टेरेस के एरिया है, इसको हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं। पहले आपको ये दिखाते हैं कि यहाँ पर ऊपर आपको किचन मिल जाता है। ये विंडो लगी हुई है, बेसिकली यहाँ से पीछे वेंटिलेशन है, डक्ट दी हुई है, बेसमेंट की सारी हवा ऊपर ही जाती है। उसके बाद ये इधर भी ऊपर आप और कैबिनेट्री बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर राइट हैंड पे हमारे पास एक और बेड आता है। ये बेड, इसकी बैक वो सारी बनाई हुई उन्होंने। उसके बाद साइज़ इसका काफ़ी अच्छा है, सर नीचे का अच्छा था, ये भी साइज़ अच्छा है। उसके बाद हम इधर आते हैं, तो ये हमारी वार्डरोब आ गई है। राइट हैंड पे वार्डरोब, फिर ये कमोड, ये शावर कैबिन आ गया, और ये हमारा, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा वैनिटी आ गई है। और ये टाइल सब बनाई हुई और बहुत अच्छी क्वालिटी बनाई हुई उन्होंने। ओवरऑल टाइल फुल हाइट तक लगाई हुई है। डिज़ाइनर घर रहा है, बहुत ही खूबसूरत फर्निश हो सकता है। अगर ये फर्निश्ड करते हैं तो ये बहुत अच्छा फर्निश हो सकता था। यहाँ पर अगेन फिर एक और बेड आ गया। यहाँ पर आपके पास इस बेड को आपके फ्रंट के टेरेस का सारा व्यू है। उसके बाद ये बैक वॉल बनाई हुई, यहाँ पर मिरर है, फिर यहाँ पर ये वॉल पैडिंग की हुई है, बीच में ब्रास की पट्टी दी हुई है। यहाँ इसकी वार्डरोब बड़ी है, क्योंकि बाकी जितने भी है ना उसकी वार्डरोब जो है ना वो छोटी थी, इसकी वार्डरोब काफ़ी अच्छी बड़ी है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये ओवरऑल 12 फुट की अलमारी है। उसके बाद ये हमारा इसका वॉशरूम आ गया, ये वॉशरूम भी अच्छा है, बाकी साइज से इसका साइज़ बड़ा है। यहाँ पर हैंगिंग कमोड आ गया, ये वैनिटी आ गई है, और ये शावर कैबिन आ गया। प्रैक्टिकल चीज़ें इसमें सारी 100% कंप्लीट है। और वर्कमैनशिप की बात करें तो पॉलिश काम थोड़ा सा लाइट है, लेकिन बाकी पेंट और बाकी जितना काम है वो अच्छा किया हुआ है। थोड़ी सी इसकी सफाइयों की ज़्यादा ज़रूरत है, एक्सट्रीमली सफाई की ज़रूरत है इसको। व्यूअर, यहाँ से हम एंटर होते हैं, ये है हमारा टेरेस आ गया। यहाँ पर बड़ा अच्छा टेरेस है, बड़ा है, और इनफैक्ट इसको बाद में आप कवर भी कर सकते हैं ग्लास के साथ, तो उससे ये होगा कि यहाँ अगर आप पूरा ग्लास लगाते हैं तो बारिश बुरिश हो तो आप इजीली इसको एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे साइज़ का टेरेस है यहाँ पर, जिसके उन्होंने इसको बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा टेरेस है। उसके बाद व्यूअर हम चलते हैं इसकी बेसमेंट में। बेसमेंट में इसका हॉल है और एक बेडरूम है, एक स्टोर है। व्यूअर्स, हम आ चुके हैं घर के बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट के अंदर आते साथ ही ना बिल्कुल यह सीन हो जाता है, ठंडा सीन हो जाता है। और बेसमेंट के अंदर जैसे ही आप एंटर होते हैं तो ये जो एरिया आपको मिलता है, ये आपको मिलता है टीवी लाउंज, या पार्टी हॉल कर लें, या आप इसको गेस्ट एरिया कर लें, प्ले एरिया, जिम एरिया, जिसमें मर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एक पूरी मीडिया वॉल मिलती है, और मीडिया वॉल यहाँ पर आप LCD इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कंसोल आ गया आपका, प्लस यहाँ पर आपको एक बड़े साइज़ का स्टोर मिल जाता है। स्टोर यहाँ पर भी है, और इनफैक्ट इस स्टेयर के नीचे जो जगह है जिसको भी स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। टीवी लाउंज के लिए संकन एरिया दिया हुआ है यहाँ पर, जिससे आपकी फ्रेश एयर आ जा सकती है इसमें। उसके बाद ये हमारे बेसमेंट में अगला नेक्स्ट बेडरूम आ गया। ये बेडरूम इसका छोटा बेडरूम है, लेकिन बड़े साइज़ का है, अच्छा खास साइज़ है। यहाँ पर विंडो है, वेंटिलेशन के लिए ऊपर आप इजीली इसका सारा एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वार्डरोब आ गई हैं, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर हमारे पास हैंगिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये वॉशरूम आ गया। पूरे घर के वॉशरूम काफ़ी प्रैक्टिकल है, जिस तरह वैनिटीज देख लें, हाइट इसकी बिल्कुल एक्यूरेट है, फैसल एसेसरीज बहुत अच्छी हैं, पाकिस्तान मेड है, लुकिंग मिरर्स बड़ी अच्छी बेवल्ड वाली दी हुई है, लाइट के साथ दी है, फुल हाइट तक टाइल है। और यहाँ पर फ्लोर फिटेड कमोड दिया हुआ है, हैंगिंग कमोड नहीं है, और दरवाजे सारे सॉलिड है। व्यूवर, इस घर की 8 करोड़ 25 लाख डिमांड है। इस घर की अगर आप लोकेशन की बात करें तो ये DHFA 5 की टॉप लोकेशन के ऊपर अवेलेबल है। अगर आज तक की सबसे बेहतरीन लोकेशन 10 मरले की कहीं आई है ना, तो उसमें से फेस 5 की के ब्लॉक और ई ब्लॉक दोनों शुमार होते हैं। इसके सराउंड में सारी दोगला कैटेगरीज हैं। वॉकिंग डिस्टेंस है बतीन चौक से, और 2 मिनट की ड्राइव है जलाल संत तक।
बेहतरीन ऑप्शन है, अनफर्निश्ड घर है, 8-25 लाख डिमांड है, प्राइस निगोशिएबल है, इसमें कमी हो सकती है। बेहतरीन डील के लिए, बेहतरीन प्राइस के लिए आप अभी कॉल करें, आपको हम ये घर दिखा भी सकते हैं, लेके भी दे सकते हैं। और अगर आपको मज़ीद कुछ जानना है तो आप तब भी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। आप कोई दोस्त घर खरीदना चाह रहा हो या बेचना चाह रहा हो या घर बना रहा हो तो उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद उसको सीखने के लिए कुछ बहुत कुछ मिल जाए इसके अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।